पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर सेक्शन 198 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट द मैरिज पनिशेबल अंडर चैप्टर 20 आईपीसी अनलेस अ कंप्लेंट इज मेड बाय। देखिए सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी देखेंगे ना तो कहता है कि नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, है ना, कि कोई अगेंस्ट मैरिज कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो कोर्ट क्या होगा ना, उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा सेक्शन 198 के तहत। तो क्यों नहीं लेगा, तो उसका आंसर पहले क्या है, पहले वो आप बता देते, उसके बाद सेक्शन 198 आपको ब्रीफली बताएंगे। तो इसका आंसर क्या है, सम पर्सन हु इज एग्री बाय द ऑफेंस, है ना, जब तक कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है ना, वो व्यक्ति जाके कंप्लेंट फाइल नहीं करे या एफआईआर नहीं करे, तब तक कोर्ट क्या करेगी, इसको कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 198 में। तो ये तो समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध होगा वो व्यक्ति कोर्ट में जाए, क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट फाइल करेगा या फिर एफआईआर करेगा, तो कोर्ट क्या करेगी, कॉग्निजेंस लेगी अंडर 98। तो इसमें कुछ अदर प्रोविजन है, अगर मान लीजिए क्या कहता है, वेयर अंडर सच पर्सन इज अंडर द 18 ईयर्स, अगर 18 ईयर्स है या 18 साल से कम है, या फिर कोई लुनेटिक पर्सन है या कोई इडियट है या फिर किसी बीमारी से ग्रसित है, वो व्यक्ति कोर्ट मूव नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, या फिर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको कस्टम इजाज़त नहीं देती पब्लिक के सामने जाने का, फिर या फिर कोई ऐसी क्या बोलते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनको कस्टम इजाज़त नहीं देता, या फिर किसी महिला का हस्बैंड है, है ना, वो क्या करते हैं कि किसी आर्म फोर्स में है, बॉर्डर पे है, तो उनके बिहाफ में किसी व्यक्ति को कोर्ट में वो जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ क्या करते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और क्या बोलते हैं कि एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 198 में बताया गया, लेकिन जनरली क्या कहता है, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि कोई व्यक्ति जाकर के कंप्लेंट या एफआईआर फाइल नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स अबाउट कंप्लेंट। ठीक है, ये कंप्लेंट टर्म है ना, सीआरपीसी के सेक्शन 200 जब देखेंगे हम, धारा 200 सीआरपीसी का, वहां ये प्रोविजन दिया गया। अभी देखिए कंप्लेंट क्या है, देखिए जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध कमिट हुआ ना, तो उस व्यक्ति के पास दो रास्ता होता है, या तो वो व्यक्ति जाकर के नजदीकी थाना में एफआईआर लिखवाए, ठीक है, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी जो एफआईआर का प्रोविजन को बताता है, या फिर वो व्यक्ति जाकर के मजिस्ट्रेट के पास जाकर के क्या बोलते हैं, अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी कंप्लेंट फाइल करे। तो उस व्यक्ति के पास दो रास्ते हो जाते हैं। तो ये कंप्लेंट का प्रोविजन सीआरपीसी में कहा है, सेक्शन 200 जब सीआरपीसी में देखेंगे वहां ये प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 201 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद, जब हम क्या बोलते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 201 देखते हैं, वहां क्या बताता है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। मान लीजिए कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट तो फाइल कर दिया, ठीक है, वहां पे जाके कंप्लेंट कर दिया किसी अपराध के बारे में, लेकिन वो मजिस्ट्रेट क्या है, कंपिटेंट नहीं है, कंपिटेंट का मतलब कि उसके ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अगर आपने लिखित में कंप्लेंट दिया है ना, तो वो क्या करेगा, उसके पीछे इंडोर्स करके आपको क्या करेगा, प्रॉपर कोर्ट में आपको भेज देगा कि आप उस कोर्ट में जाइए, आपका मामला वो वहां पे सुनवाई होगा, हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। जब आप सीआरपीसी का सेक्शन 201 पढ़ेंगे, ये प्रोविजन दिया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट शैल डिसमिस द कंप्लेंट। ठीक है, किस प्रोविजन के अंतर्गत सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कंप्लेंट को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, डिसमिस मतलब खारिज कर सकता है, खत्म कर सकता है। देखिए जब मजिस्ट्रेट को लगेगा ना, जब आप सीआरपीसी का सेक्शन 200 पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जब मजिस्ट्रेट को लगेगा कि उन्होंने प्रॉपरली इंक्वायरी करवा लिया, इन्वेस्टिगेशन करा लिया, अब कोई ग्राउंड है ही नहीं किस व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला चलाया जाए, तो वो क्या करेगा, उस कंप्लेंट को मजिस्ट्रेट के पास पावर है, उसको क्या करेगा, वो डिसमिस कर देगा अंडर सेक्शन 203 ऑफ सीआरपीसी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स अबाउट डिसमिसल ऑफ ए क्लेम कंप्लेंट। ठीक है, किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट होगा, तो सेक्शन 203 ऑफ सीआरपीसी। देखिए कभी कभी आपको इसमें क्वेश्चन ना सेम दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ना बदल बदल के भी पूछते हैं, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनता है, तो 2-3 क्वेश्चन मैंने सिमिलर बनाए, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है कि मैंने 2-3 क्वेश्चन सेम बना दिया, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न से भी पूछा जाता है, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन सिमिलर बनाए अलग अलग पैटर्न पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइलिंग अ लिस्ट ऑफ विटनेस बाय कंप्लेनेंट बिफोर इशुएंस ऑफ समन्स अ वारंट टू द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी। देखिए
कंप्लेंट जो होगा ना उसको लिस्ट ऑफ विटनेसेस बताना पड़ेगा, जब वो क्या बोलते हैं कंप्लेंट फाइल वगैरह कर रहा है, कब? बिफोर इश्यूएंस ऑफ समन्स और वारंट। ठीक है, समन्स क्या होता है? कोर्ट का ऑर्डर होता है किसी एक्यूज्ड को कोर्ट में पेश होने के लिए, हाँ भैया आप आओ, आप पे आपराधिक मामला चल रहा है, आप आकर के बताइए कि क्या ये गलत है क्या सही है। वारंट का भी इशू होता है कि जब कोर्ट को लगता है ना, वारंट किस केस में, जब वो क्या होता है कॉग्निजेबल केस होता है जिसमें 3 साल से अधिक का सजा होता है ना, जब कोर्ट को लगता है कि नहीं इस व्यक्ति को समन्स से बुलाएंगे ना तो ये व्यक्ति कोर्ट नहीं आएगा, इस व्यक्ति के खिलाफ एक वारंट इशू करते हैं, इसको पुलिस पकड़ के लेके आएगी। ठीक है, ये दोनों मेजर क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं डिफेंस है समन्स और वारंट में। तो सेक्शन 24 में क्या है, ये मैंडेटरी है, आपको लिस्ट ऑफ विटनेस बताने पड़ेंगे सेक्शन 24 के अंदर, ये क्या है मैंडेटरी है। क्लियर है, जब सेक्शन 24 अगर देखेंगे ना सीआरपीसी का, वहां पे बताता है क्या इशू ऑफ प्रोसेस, क्या बताता है इशू ऑफ प्रोसेस, क्या प्रक्रिया होगी, कोई व्यक्ति अगर कंप्लेंट फाइल वगैरह किया तो 204 के अंदर इशू ऑफ प्रोसेस बताता है कि मजिस्ट्रेट किस प्रक्रिया से उसे कि उसको कोर्ट में बुलाएगी, या तो समन्स के द्वारा या फिर क्या करेगी, उस एक्यूज्ड का ना, एक्यूज्ड पर्सन का अटेंडेंस जरूरी है, कोर्ट में आना जरूरी है, तो कोर्ट किस प्रक्रिया से बुलाएगी, या तो समन्स भेज के बुलाए या फिर वारंट के द्वारा बुलाए। क्लियर है, अब वो क्या है क्या बोलते हैं कि लिस्ट ऑफ विटनेस आपको बताना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है सेक्शन 204 के अंतर्गत। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एन एक्यूज कैन बी डिस्पेंड विद द अंडर विद सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, किसी एक्यूज का पर्सनल अटेंडेंस है तो सेक्शन 25 देखेंगे, इसमें क्या कहता है, देखिए, व्हेनेवर मजिस्ट्रेट इशू ए समन्स, जब कोई मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है ना समन इशू कर रहा है, ही मे, तो वो क्या करेगा, इफ ही सीज रीजन सो डू डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज इन द परमिट हिम टू अपीयर बाय हिज प्लेडर। ठीक है, या तो उसमें रीजन लिख देगा, आप या तो खुद आपको पर्सनल अटेंडेंस होना है या फिर आप अपने वकील को भेज दीजिए। क्लियर है, तो ये सेक्शन 205 अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, क्या कहता है सेक्शन 205, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज। ठीक है, वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, पर्सनल अटेंडेंस बोल सकता है एक्यूज को आने के लिए, या फिर वो खुद आए या फिर अपने एडवोकेट को या प्लेडर को भेज दे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Whenever a person can send fine amount through the postal department without appearing in the court in some petty offence, if yes, under what provision? कहता है कि क्या कोई व्यक्ति क्या जो fine का amount है by postal department भेज सकता है क्या, तो वो provision अगर CRPC में है, उस क्या बोलते हैं petty offence मतलब कोई छोटा मोटा जो अपराध होता है ना उसके मामला में अगर court किसी व्यक्ति पे कोई fine impose करता है तो कहता है क्या कि क्या वो व्यक्ति by postal के द्वारा postal department के द्वारा fine court को भेज सकता है क्या, तो अगर भेज सकता है तो किस प्रोविजन के अंदर है, हाँ वो भेज सकता है, लेकिन सेक्शन 206 सीआरपीसी का पढ़ेंगे तो वहां पे ये प्रोविजन दिया गया है, जिसमें सेक्शन 206 में क्या कहता है, स्पेशल समन इन केस ऑफ पीटी ऑफेंस। क्लियर है, इसमें क्या है स्पेशल समन्स होता है, उसको भेजेगा, या तो आप खुद आ जाइए या फिर एक काम कीजिए बाय द पोस्टल ऑफ फाइन का अमाउंट भेज दीजिए, हम उसको कंसीडर करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 206 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पिटी ऑफेंस मींस, ये जो टर्म पिटी ऑफेंस है ना, ये जो इसका मतलब क्या होता है, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज। कोई ऐसा अपराध जिसका सजा क्या हो सकता है, सिर्फ फाइन हो सकता है, और वो क्या होगा, 1000 रुपया से अधिक नहीं हो सकता। जब सेक्शन 206 पढ़ेंगे ना वहां पे ये सारा प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन केस ऑफ पीटी ऑफेंस अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीआरपीसी कितना है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है कि 1000 है, इससे ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा सेक्शन 206 में क्या है, पीटी ऑफेंस में मैक्सिमम अमाउंट है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर दिस सेक्शन ऑफ फॉलोइंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द अक्यूज्ड शैल बी सप्लाई द कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय मजिस्ट्रेट। देखिए कहता है कि किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया कि जो एक्यूज्ड पर्सन होंगे ना, जिस व्यक्ति पे आपराधिक मामला चल रहा है, उसको क्या किया जाएगा कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसको दस्तावेज दिया जाएगा, या तो पुलिस रिपोर्ट का या फिर अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होगा, जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि सेक्शन 161 के अंदर कोई क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड वगैरह हुआ, उसका कॉपी उसको एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट में सप्लाई करना, जो सेक्शन 207 था सीआरपीसी का। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 209 ऑफ द सीआरपीसी आर इन द नेचर ऑफ, ये कमिटल प्रोसीडिंग क्या होता है, कमिटल प्रोसीडिंग जब कोई मामला
किसी निचली अदालत में गया, अगर उस कोर्ट को लगता है कि ये मामला हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है तो वो क्या करता है, उसको कमिट करके ऊपरी अदालत में भेज देता है। उसी प्रोविजन के बारे में उसको क्या कहते हैं, कमिटल प्रोसीडिंग। तो कमिटल प्रोसीडिंग क्या है, सेक्शन 209 में दिया गया, उसका नेचर कैसा है, तो वो नेचर उसका क्या है, इंक्वायरी वाला नेचर है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? अगर कमिटर पूछ लेगा कमिटल प्रोसीडिंग किस सेक्शन में दिया गया, तो सेक्शन 209 अगर सीआरपीसी का देखेंगे तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफिस इन ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय इट, सेक्शन 209 है, सेम क्वेश्चन है। ये कमिटमेंट प्रोसीजन जो केस का, जो सेशन कोर्ट का जो कोई केस वगैरह पूरा का पूरा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, ये प्रोविजन सेक्शन 209 में दिया गया है। सेम ऐसा प्रोविजन है, मान लीजिए जैसे कि कोई क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास वगैरह कोई केस का मामला चला गया, अब उस कोर्ट के लग रहा है कि नहीं ये केस तो हम नहीं सुन पाएंगे, ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो उसको क्या करेगा, वो कमिट करके ऊपरी अदालत में भेज देगा, जो कि सेशन कोर्ट के पास पूरा का पूरा अधिकार है उस केस को सुनने का, जो सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी में ये प्रोविजन दिया गया। जब बेरेक्ट का लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको देखने में प्रॉपरली मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 210 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इनवोक, कहता है क्या सेक्शन 210 जो सीआरपीसी का प्रोविजन उसको क्या इनवोक किया जा सकता है, तो कहता है वेयर देयर इज अ कंप्लेंट केस और पुलिस इज आल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, है ना, या कंप्लेंट केस हो या फिर क्या बोलते हैं पुलिस किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो सेक्शन 210 के अंतर्गत उसको इनवोक किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, The provision relating to the charge is given under CRPC. ये जो provision है ना charge का, किसी व्यक्ति पे जो आरोप लगता है charge होता है, तो वो किस section के अंदर का CRPC में दिया गया है, तो क्या बोलते हैं chapter 17 section 211 to 224, 211 से 224 तक जो क्या बोलते हैं कि chapter 17 जो है CRPC का, इसके अंतर्गत provision दिया गया है charge का। clear है? Next question, Which form mentioned in the second schedule of CRPC is related with charge? कौन सा फॉर्म है? जब आप CRPC के शेड्यूल में देखेंगे तो फॉर्म नंबर 32 है, जिस जो क्या है चार्ज से रिलेटेड उसमें कंटेंट वगैरह दिया गया है। क्लियर है? फॉर्म 32 देखेंगे, जब CRPC का बेरेक्ट आपके पास होगा ना, आप लास्ट में पलट के देखना, वहां पे फॉर्म के कंटेंट दिया गया, फॉर्म 32 देखेंगे वहां पे आपको चार्ज से रिलेटेड फॉर्म मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Who can frame the charge according to the Criminal Procedure Code? किसको पावर है कि वो चार्ज फ्रेमिंग कर सकता है? तो कोर्ट को पावर है, ये याद रखिएगा। किसको पावर है? कोर्ट को पावर है। कोर्ट क्या करती है? चार्ज फ्रेमिंग करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a content of charge? किसको कंटेंट ऑफ चार्ज नहीं मानेंगे? तो आंसर क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फैमिली बैकग्राउंड ऑफ ए फैमिली। आप किसी व्यक्ति के फैमिली बैकग्राउंड को चार्ज में एड कर रहे हैं तो उसको कंटेंट ऑफ चार्ज नहीं माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ए चार्ज शैल बी रिटर्न इन द, कहते हैं कि जो चार्ज होगा ना वो किस लैंग्वेज में होगा, है ना, लिखा तो होगा लेकिन किस लैंग्वेज में होगा, वो क्या है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। जब आप सेक्शन 272 देखेंगे ना सीआरपीसी का, वहां पे लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट लिखा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना उसमें, तो वो लैंग्वेज कौन फिक्स कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है अदर देन हाई कोर्ट, है ना, उसको छोड़ करके। ठीक है? तो सेक्शन 272 देखेंगे तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट के बारे में बताता है, और वो लैंग्वेज वगैरह कौन फिक्स कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एडिशन और अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज हैज बीन प्रोवाइडेड। एडिशन का मतलब एड कर देना और अल्ट्रेशन का मतलब बदल देना। क्लियर? तो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है, तो सेक्शन 216 धारा 216 सीआरपीसी का देखेंगे, वहां पे ये प्रोविजन दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन, क्या बोलते हैं, अंडर सेक्शन 216 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट हैज द पावर टू, देखिए सीआरपीसी का जब सेक्शन 216 पढ़ेंगे ना, तो कोर्ट को क्या पावर दिया गया, एड टू एंड अल्टर दी चार्ज, दोनों प्रोविजन दिया गया, या तो वो एड कर सकता है या फिर अल्टर कर सकता है धारा 216 सीआरपीसी के अंतर्गत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट में अल्टर दी चार्ज, कोर्ट कब चार्ज अल्टर कर सकती है? कोर्ट के पास तो पावर तो है कि चार्ज को वो अल्टर कर सकती है, या तो एड कर सकती है या फिर क्या कर सकती है, एमेंड कर सकती है। तो कब कर सकती है? बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस, है ना, जजमेंट देने से पहले, जजमेंट देने के बाद चार्ज में कोई अल्टरेशन नहीं होगा, ये याद रखिएगा आप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस
of which any person is accused, there shall be a separate charge which shall be tried separately is provided in criminal procedure code. कहता है कि हर एक अपराध के लिए क्या बोलते हैं कि अलग से सेपरेट ट्रायल वगैरह किया जा सकता है. जैसे कि कोई अपराधी होगा वो कोर्ट में लिख करके देगा कि मेरा मामला है, आप क्या कीजिए, इसको अलग से चलाइए. क्लियर है? तो वो क्या कर सकता है, सेक्शन 200 जब एक्शन 18 देखेंगे सीआरपीसी का, वहां पे ये प्रोविजन दिया गया. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 219 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ऑफेंस ऑफ सेम काइंड मींस. ऑफेंस ऑफ सेम काइंड मींस का मतलब क्या होगा, क्या कहता है, देखिए, व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड और एनी स्पेशल लॉ. मतलब सेम अमाउंट ऑन पनिशमेंट है, मतलब सेम सजा है और सेम सेक्शन के अंतर्गत दिया गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेम ऑफेंस, है ना. क्लियर है? ठीक है, जब 219 पढ़ेंगे सीआरपीसी का, यहाँ पे प्रोविजन ये दिया गया. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज द सेशन कोर्ट फील्स दैट द केस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय इट में. ठीक है, जब क्या बोलते कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर रहा है ना कोर्ट ऑफ सेशन, तो उसको लगा ये जो केस है ना कि पूरा का पूरा मेरे, मतलब कि हमको ट्रायल करने का ये नहीं है, तो वो क्या करेगा, सेशन कोर्ट को लगा पता कि नहीं ये केस को हम ट्रायल नहीं कर सकते, मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, देखिए आंसर क्या है, फ्रेम द चार्ज एंड ट्रांसफर द केस टू द चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. वो क्या करेगा, फ्रेमिंग को चार्ज कर देगा, उसके बाद केस को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा सीजीएम को या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड फॉर द ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, ये जो कोर्ट ऑफ सेशन के जो के पास ट्रायल वगैरह जो होता है ना, कि कौन सेक्शन के अंतर्गत बताया गया, जब सीआरपीसी का 225 से लेकर 237 देखेंगे ना, वहां ये प्रोविजन दिया गया है. क्लियर है? ठीक है, जब 225 देखेंगे उसमें कह रहा है कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. देखिए जब सेशन कोर्ट में कोई मामला होगा ना, तो उसमें जो ट्रायल होगा ना, सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस का क्या करेगा, स्टार्टिंग करेगा. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, पीपी जिसको कहते हैं, जो क्या बोलते हैं क्रिमिनल मैटर में गवर्नमेंट एडवोकेट होते, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है. क्लियर है? तो ये प्रोविजन कहां दिया गया, जब सीआरपीसी का 225 से 237 देखेंगे वहां ये प्रोविजन दिया गया. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, है ना, हर एक ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो है, प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय. कोई मामला अगर क्या बोलते कोर्ट ऑफ सेशन के पास अगर चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसको कौन करेगी, कंडक्ट कौन करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन ही करेगी. तो ये आंसर क्या है, द सेशन जज. ठीक है, तो सेशन कोर्ट में कौन होते हैं, सेशन जज होते हैं, तो उसको कंडक्ट कौन करवाएगा, सेशन जज कराएगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सन इन परमिसेबल अंडर, है ना, क्या कहते हैं जॉइंट ट्रायल, मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का ट्रायल एक साथ चलाने का प्रोविजन, जो परमिशन जो मिलता है किस सेक्शन के अंतर्गत है, जब सेक्शन 223 पढ़ेंगे ना सीआरपीसी का, वहां ये प्रोविजन दिया गया, कहता है व्हाट पर्सन मे बी चार्ज जॉइंटली, मतलब किस किस पर्सन को जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है. तो जब उसमें आप क्लाउज फर्स्ट देखेंगे ना, तो पर्सन एक्यूज ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, कोई व्यक्ति कोई अपराध किया सेम ट्रांजेक्शन में और सेम अपराध, दोनों व्यक्ति का जॉइंट ट्रायल एक साथ चलाया जा सकता है अंडर सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेशन जज ड्यूरिंग सेशन ट्रायल मे ऑर्डर एक्विटल ऑफ accused person even before pronouncing judgment under which of the following section of the code of criminal procedure code. कहता है कि जो session judge है during trial, वो क्या कर सकता है, order pass कर सकता है acquittal का. acquittal का मतलब देखिए, जब किसी व्यक्ति कोर्ट में कोई मामला गया ना, तो वहां पे दो बातें होंगी, या तो उस व्यक्ति को acquit कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, बड़ी कर दिया जाएगा, या फिर उसको convict किया जाएगा. convict का मतलब उस व्यक्ति को सजा हो गया, और acquittal का मतलब उस व्यक्ति को बड़ी कर दिया गया, उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया. जब सेक्शन 232 सीआरपीसी का पढ़ेंगे ना, वहां ये प्रोविजन दिया गया. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्यूज इज नॉट एक्विटेड अंडर सेक्शन 232 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट कॉल्स अपॉन हिम टू. मान लीजिए कि अगर सीआरपीसी 232 के अंतर्गत कोर्ट ने उस व्यक्ति को एक्विटेड नहीं किया, उसको बड़ी नहीं किया, तो क्या करेगी कोर्ट आगे, तो उसको क्या करेगी, कॉल ओपन टू इंटर, कहेगी आप अपने डिफेंस में दीजिए कि आप क्या डिफेंस लेना चाहते हैं, क्या आपने अपराध किया, वो सब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसको डिफेंस का मौका दिया जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द ऑर्डर कैन बी पास आफ्टर द ट्रायल ऑफ ए केस इज ओवर.
जब कोई केस का मामला कंप्लीट हो गया, केस ओवर हो गया, ट्रायल कंप्लीट हो गया, तब कोर्ट क्या करेगी? एदर एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, या तो उस व्यक्ति को एक्विटल करेगी या फिर कन्विक्ट करेगी, या तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा या फिर उसको सजा हो जाएगा। क्लियर है? देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि ऐसा क्वेश्चन क्यों बना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द ट्रायल प्रोसीजर ऑफ वारंट केस इज गिवन। कहते हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं वारंट के, वारंट केस का जो प्रक्रिया है सीआरपीसी में किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है? तो सेक्शन जब 238 से लेकर 250 पढ़ेंगे आप सीआरपीसी के अंतर्गत, तो वहां ये प्रोविजन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज एफआईआर ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट द मजिस्ट्रेट सेल। जब कोई वारंट केस इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है, अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट मतलब पुलिस रिपोर्ट के द्वारा छोड़ के कोई एक्यूज्ड है मजिस्ट्रेट के पास लाया गया, और क्या बोलते हैं, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सेल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। और उस मामला को वो सुनेंगे और जो जितने भी सबूत वगैरह होगा उसको वो लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ ट्रायल ऑफ अ वारंट केस, क्या बोल रहा है, इफ इन अ ट्रायल ऑफ वारंट केस, किसी वारंट केस का ट्रायल चल रहा है तो क्या करता है, मजिस्ट्रेट फाइंड द एक्यूज नॉट गिल्टी। अगर मजिस्ट्रेट को लगा कि एक्यूज क्या है, नॉट गिल्टी है, तो ही सेल वो क्या करेगा, उसको अगर लगा मजिस्ट्रेट को वो गिल्टी नहीं है, उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, तो उसको क्या करेगा, एक्विट हिम, उसको क्या करेगा, छोड़ दिया जाएगा, उसको बरी कर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद एविडेंस फॉर डिफेंस। ठीक है, किस सेक्शन के अंतर्गत यह बताया गया है कि एविडेंस लिया जाएगा, किस चीज के लिए, डिफेंस के लिए। तो सेक्शन 243 ऑफ सीआरपीसी अगर हम देखेंगे तो वहां पर यह प्रोविजन दिया गया है कि जो क्या बोलते हैं कि जो जो जिस व्यक्ति पे मामला चल रहा है उसको, उससे एविडेंस लिया जाएगा। सेक्शन 243 के अंतर्गत इसका प्रोविजन दिया गया। क्लियर है? Which one of the following deals with the absence of complainant? देखिए, किस सेक्शन के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर complainant एबसेंस है, किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया? तो सेक्शन 249 ऑफ सीआरपीसी देखेंगे, वहां पे बताया गया है एबसेंस ऑफ कंप्लेनेंट का क्या प्रोविजन है, क्या होगा अगर जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट किया किसी के खिलाफ, अगर कोर्ट में हेयरिंग चल रही है तो उसका क्या प्रोविजन है। तो सेक्शन 249 सीआरपीसी का देखेंगे, एबसेंस ऑफ कंप्लेनेंट के बारे में बताता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज द अक्यूज इफ कंप्लेनेंट इज एबसेंट ऑन द डेट ऑफ द हेयरिंग इफ द ऑफेंस इज। ठीक है, ठीक है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा ना, उस एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा जिस व्यक्ति पे कोई व्यक्ति कंप्लेंट करके उस पर मामला लेके आया है। अगर वो, अगर कंप्लेंट हेयरिंग के डेट में अगर मौजूद नहीं है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको डिस्चार्ज करेगा। तो वो आगे प्रोविजन क्या है, प्रोविजन वुड बी एप्लीकेबल फॉर कंप्लेंट केस एंड पुलिस केस बोथ दोनों, या फिर क्या बोलते हैं कंप्लेंट केस में भी और पुलिस केस में भी, दोनों में होगा। अगर कंप्लेंट एब्सेंट है हेयरिंग के टाइम में तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देगा जिस पे कोई मुकदमा लाया गया है, या तो पुलिस, क्या पुलिस रिपोर्ट के द्वारा या फिर क्या बोलते हैं कंप्लेंट के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज कैन बी अवॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। देखिए सेक्शन 250 सीआरपीसी का देखेंगे ना, यहां पे एक प्रोविजन क्या दिया गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ खामोखा कोई मुकदमा कर दिया, लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट को लगा कि नहीं ये व्यक्ति तो वाकई में ये कोई अपराध नहीं किया है, उसको छोड़ दिया गया, और बाद में उस व्यक्ति को नोटिस भेज करके, शो का नोटिस भेज करके बुलाया गया कि आप क्या करो कि इस व्यक्ति को कंपनसेशन दो, और आप ये मतलब शो का नोटिस बताओ, बताओ कारण बताओ कि क्यों ना आपसे ये कहा जाए कि इस व्यक्ति को आप कंपनसेट किया करो कि जिस व्यक्ति पे आपने फॉल्स अपराध वगैरह मामला वगैरह चलाया है। तो जब सीआरपीसी का 250 सेक्शन हम देखेंगे वहां पे ये कंपनसेशन का प्रोविजन दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर फॉर समन्स केस इन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये समन्स केस क्या होता है, एक होता है वारंट केस, एक होता है समन्स केस। ठीक है, दो टर्म अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सेक्शन जब 251 देखेंगे सीआरपीसी का, 251 से 259 तक वहां ये दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डील्स विद द विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट।
किस सेक्शन के अंतर्गत सीआरपीसी में विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, विड्रॉल का मतलब वापस लेना, कंप्लेंट मतलब कोई शिकायत, कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दिया मजिस्ट्रेट के पास जाकर के, अब वो क्या काज, वो क्या चाह रहा है कि उस केस को, उस कंप्लेंट को हम वापस ले, तो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया, सेक्शन 257 ऑफ सीआरपीसी जब आप देखेंगे वहां पे विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट के बारे में बताया गया। विड्रॉल मतलब वापस लेना, कंप्लेंट मतलब कोई शिकायत, कोई मुकदमा दर्ज किया मजिस्ट्रेट के पास वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट रिजल्ट इन दी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सेक्शन 257 के अंतर्गत अपने कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया तो आगे क्या उसका रिजल्ट होगा, तो उसका आंसर है एक्विटल ऑफ द एक्यूज इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर द चार्ज हैज बीन फ्रेम ऑर्ड नॉट। इससे कोई मतलब नहीं है कि चार्ज फ्रेम हुआ है या नहीं, उस व्यक्ति को एक्विटल कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसके खिलाफ कंप्लेंट किया था उसने उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया अंडर सेक्शन 257 ऑफ सीआरपीसी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस इज प्रोवाइडेड अंडर, किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत सीआरपीसी में यह बताया गया कि कोर्ट को पावर है वो समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी ये प्रोविजन देता है, कोर्ट को ये पावर देता है कि वो क्या कर सकता है, समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा क्यों कर सकता है? अब मान लीजिए कोर्ट को लगेगा, कोर्ट को क्या लगेगा कि समन भेजने से ये व्यक्ति भाग जाएगा, क्या करते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो वो क्या करेगा, कोर्ट उस केस को वारंट केस में कन्वर्ट करके बाय द वारंट उस व्यक्ति को पकड़ के कोर्ट में लेके आएगा। सेक्शन 259 के अंदर प्रोविजन ये दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोविजन रिगार्डिंग समरी ट्रायल इज गिवन। समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है, किसी मुकदमा को ना कम से कम समय में खत्म कर देना, कम से कम समय में खत्म कर देना, उसको समरी कहते हैं। जैसे छोटा कर, समरी का मतलब क्या होता है कि छोटा कर देना, तो कम से कम समय में किसी मुकदमा को चलाना किस प्रोविजन के अंदर दिया गया, सीआरपीसी के अंतर्गत, तो सेक्शन 260 से लेकर के 265 तक सीआरपीसी के अंदर ये प्रोविजन दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कोर्ट कैन ट्राई समरीली ऑफेंस मेंशन इन सेक्शन 260 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, किस कोर्ट को पावर है कि वो समरी ट्रायल चला सकता है, तो कौन कौन है अंडर सेक्शन 260 धारा 260 के अंतर्गत, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली। क्लियर है? या सीजीएम को पावर है, या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को पावर है, या फिर कोई मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अगर स्पेशल पावर दिया गया तो उसको ये समरी ट्रायल का मामला सुनने का अधिकार है। क्लियर है? और वो जो क्या बोलते हैं, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली इम्पावर बाय द हाई कोर्ट इन द बिहाफ, उसको क्या क्या बोलेंगे, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इम्पावर करेगा, हाई कोर्ट उसको पावर देगा, तो वो उसको सुन सकते हैं समरी ट्रायल को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट ट्राइड समरीली, कौन से अपराध को क्या बोलते हैं कि समरी ट्रायल में नहीं चला जा सकता, तो ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट अप टू 3 years, 3 साल का कोई सजा है ना उसको समरी ट्रायल में नहीं चलाया जा सकता, तो क्लियर सी बात है 3 साल का सजा को अगर नहीं चलाया जाएगा तो 3 साल का सजा कम जो होगा, तो 3 साल का सजा जो ऊपर हुआ तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वारंट केस, और 3 साल का अगर कम सजा तो उसको हम क्या बोलेंगे, समन्स केस। क्लियर सी बात है? ठीक है, तो 3 साल का कम सजा जिसमें होगा उसी को समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन रिगार्डिंग प्ली बार्गेनिंग आर गिवन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, किस चैप्टर के अंतर्गत क्या बोलते हैं कि जो प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन है सीआरपीसी में दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर 11 वन जब आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ली बार्गेनिंग ए न्यू चैप्टर एडेड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 बाय द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब एड किया गया 2005 में, कंटेंट तो कौन कौन से सेक्शन एड हुए, सेक्शन 265A to 265L, ये सेक्शन अमेंडमेंट होकर 2005 के बाद एड किया गया सीआरपीसी में जो कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्ली बार्गेनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग,
कौन फाइल कर सकता है प्ली बार्गेनिंग के लिए? तो एक्यूज जो होंगे ना अपराध, जिस व्यक्ति ने अप्लाई अपराध किया है, वो व्यक्ति जाकर के एक एप्लीकेशन देगा कोर्ट में कि हम प्ली बार्गेनिंग के लिए क्या बोलते हैं एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें। तो किसको, किसके द्वारा किया जाएगा फाइल? एक्यूज के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ एन एक्यूज फॉर प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया रिलेटेड टू, ठीक है, ये जो एक्यूज का राइट है ना प्ली बार्गेनिंग का इंडिया में क्या रिलेटेड है? सेंटेंस बार्गेनिंग। सेंटेंस का मतलब जो सजा है उससे बार्गेनिंग किया जाएगा। वो कहेगा कि जैसे कोर्ट, प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, कोर्ट के सामने वो कहेगा कि ठीक है सर मैंने चोरी किया, ठीक है, तो मान लीजिए चोरी किया तो जैसे उसका 3 साल का सजा है तो उसको 2.5 साल कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या प्रोविजन है प्ली बार्गेनिंग का, मतलब इंडिया में उसको सेंटेंस बार्गेनिंग है। ऐसा नहीं कि आप प्ली बार्गेनिंग करने जाए तो आपको सारा का सारा सजा माफ कर दिया जाएगा, नहीं, आपके जो सेंटेंस होंगे उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, अंडर विच सेक्शन ऑफ लॉ मजिस्ट्रेट हैज पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन, ठीक है, किस सेक्शन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह पावर देता है एक कमीशन इशू कर सकते हैं किस चीज के लिए? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन। कोई व्यक्ति जेल में है उसके लिए कमीशन अपॉइंट करेगा मजिस्ट्रेट, तो किस सेक्शन के अंतर्गत पावर देता है? सेक्शन 271 ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट को यह पावर देता है कि वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है, वो जाकर के जेल में विटनेस का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, ये सेक्शन 271 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत यह प्रोविजन दिया गया। क्लियर है?